हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ मेरा किचन टूर शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो मेरा किचन बहुत छोटा सा है और इसमें आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, तो बहुत अनफर्निश है और छोटा सा है, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसको लाइक अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह मैंने सेट किया है। बहुत अच्छा तो नहीं है बट जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बहुत छोटा सा किचन है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला राइट साइड में मैंने लगाया है स्टैंड, क्योंकि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ तो इसलिए ये स्टैंड हमेशा रखती हूँ कि कहीं भी हम लोग अगर जगह नहीं मिलती है स्टोरेज की तो स्टैंड लगाकर हम बर्तन रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सारे बर्तन मैंने स्टैंड में लगाए हैं। और ये साइड रखा है मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि हमारे इधर बाथरूम में ज़्यादा जगह नहीं है और घर में भी ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए किचन में मैंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। उसके बाद बाजू में है बाटला, उसके ऊपर मैं रखती हूँ रोटी का डब्बा। उसके साथ साइड में आप देखोगे नीचे के साइड डस्टबिन है, जो साइड में भी है और एक जगह भी है। उसके ऊपर आप देखोगे वॉश बेसन, तो उसके वहाँ यहाँ मैंने बर्तन धोने का साबुन और लिक्विड एंड हैंड वॉश रखा है। उसके बाद ये चारों डब्बे हैं, इसके अंदर दाल रखी है और एक के अंदर शुगर है और एक के अंदर चाय पत्ती है। ये पानी के लिए रखा है और ये बाउल मैंने अभी धोया है इसलिए वहाँ रखा है। और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ मेरा प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, तो वो देख सकते हैं आप कितना छोटा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें जो आ सकता है वो मैं सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने रखी है गैस। उसके बाजू में आप देख सकते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि सॉल्ट, नमक, ऑयल हो गया, घी हो गया और हींग हो गया, और ये सब सारी चीज़ें जो हमको ज़रूरत लगती रहती है। और तो इसको मैंने साइड में यहाँ रखा है। उसके सीधा आप साइड में लेफ़्ट साइड देख सकते हैं मैंने रखा है दो डब्बे हैं बड़े बड़े, तो इसके अंदर मैं स्टोरेज जो यूज़ नहीं होते सामान, जैसे राशन होता है मंथली, वो मैं रख देती हूँ। और इसके ऊपर कटिंग बोर्ड है मैंने लटकाया है। नीचे आप देख सकते हैं कांदा और आलू और ऑनियन रखा हुआ है। और उसके साइड में आप देख रहे हैं फ्रिज है, तो मेरा एक छोटा सा फ्रिज है, तो उसके एक साइड में मैंने ये बनाया है फ्रूट्स के लिए। और उसके बाद ये एक ग्लास है, यहाँ कांच के बहुत सारे ग्लास होते थे बट टूट टूट के एक ही बचे हैं। और उसके बाद ये रखा है मैंने एक थोड़ा सा शो पीस के लिए। और टिशू है, ये बहुत यूज़ होता है। उसके बाद बॉटल है, मैं फ्रिज में बॉटल नहीं रखती हूँ, तो जो भी बच्चों की बॉटल हो ये हो, ये साइड में एक जगह भी हो जाती है तो फ्रिज के ऊपर अभी रखते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं फ्रिज में मैंने ये डाला है कवर, तो ये साइड में जो भी हमको यूज़ आती हैं चीज़ें और मतलब टाइम पर मिल जानी चाहिए तो वो मैं इधर रखती हूँ। जैसे कोई प्लास्टिक हो गया या फिर क्लिप हो गया या फिर हमको वाटर छानने के लिए कुछ चाहिए है वो मैंने रखा है साइड में, ऐसा कुछ नेप हो गया। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म के सीधा नीचे वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये है टिफ़िन, बच्चों के टिफ़िन जो काफ़ी हमने सामने रखने चाहिए, जल्दी मिल जाना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ रखा है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं मेरा मसाले का डब्बा, आप देख सकते हैं ये मैंने रखे हैं हल्दी, जो स्पाइसेस होते हैं ये ऊपर वाले डब्बे में मैंने रखा है। और इसके नीचे वाले में है गरम मसाला, जो ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैंने इसको इतना सामने रखा है। पीछे जो कम यूज़ होते हैं ज़्यादातर मसाले वो पीछे रखे हुए हैं, जो कुछ दाल हो गया या तेल हो गया वो चीज़ें पीछे रखी हुई हैं, चार हो गया जैसे। और नीचे था मेरा आटे का डब्बा और मिक्सर। के राइट साइड में आप देख सकते हैं बाटला, और यहाँ है मेरा टाकी में राइस। और यहाँ साइड में दो बॉटल आप देख सकते हैं, इसमें है ऑयल, ये है राई का तेल और ये है सेंग तेल, तो जो भी यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं ये स्टोरेज के लिए यहाँ भी बहुत जगह है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
या मैंने टाकी वगैरह की है, जो भी चीज़ ऐसे स्टोर कभी कभी निकालते हैं वो ऊपर रख देती हूँ। और साथ में मैं इतना स्टोरेज दिखा रही हूँ तो फ़ैन भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ ट्यूब लाइट है एक बड़ी सी लगी हुई, और ये भी जो चीज़ें मुझे कम यूज़ होने करनी होती है इसके अंदर भी मैं जो भी स्पाइस वगैरह होते हैं ऊपर रख देती हूँ, कभी कभी निकलते हैं ना इसीलिए। पीछे से आपको मैं अपना किचन दिखा देती हूँ। हाँ, ये तवा तो मैं बताना भूल ही गई थी, ये राइट साइड में इस तरह अकेला इसको लगा दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो या छोटा सा किचन टूर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।